व्हाट्स अप गाइस, एक बहुत ही तगड़ी वीडियो है, मतलब कि टाइटल ही सुन लो आप। यूएसए की न्यूक्लियर बॉम्ब सीक्रेट लीक्ड, ह्यूज ब्लंडर बाय यूएस मिलिट्री। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से है, मतलब कि यूएसए के न्यूक्लियर बॉम्ब सीक्रेट जो भी हैं वो सारे लीक हो गए हैं, और ये गलती हुई है मिलिट्री से, यूएस मिलिट्री शायद से। तो वीडियो साथ में देखते हैं और देखते हैं क्या टॉपिक से रिलेटेड बातें हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई साहब बहुत तगड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से है, और ऐसी वीडियोस आप इन्फॉर्मेटिव बहुत सारे देखते हो वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड। ये हमारा गेमिंग चैनल, रात के 10 बजे लाइव स्ट्रीम करते हैं पबजी की, सवा 10 बजे ना। 1 2 3 गो। प्रशांत धवन, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूएसए से हुआ है एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर, इनके न्यूक्लियर सीक्रेट सारी दुनिया के सामने लीक हो चुके हैं। एक मेजर एंबैरेसमेंट है फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। यहां पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, यूएस सोल्जर्स ने गलती से एक्सीडेंटली लीक कर दिए हैं न्यूक्लियर सीक्रेट्स स्टडी एप्स के थ्रू। ये बहुत बड़ी बात है, ज्यादातर ये यूरोप में हुआ है, यूरोप में जो भी यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड हैं। तो रशिया को बाय द वे इस डेवलपमेंट से बहुत फायदा हुआ होगा, रशियंस ऑब्वियसली बात है हंस रहे होंगे आज के समय अमेरिकन पर। और ये एक और आर्टिकल है वॉइस ऑफ अमेरिका का, ये आर्टिकल हमेशा मैं आपको दिखाता हूँ वॉइस ऑफ अमेरिका का, क्योंकि ये यूएस का गवर्नमेंट बैक्ड न्यूज़पेपर आउटलेट है। तो ये लोग भी ओपनली यहाँ पर कह रहे हैं कि यूएसए के सीक्रेट्स एक्सपोज हो चुके हैं, जो भी हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर सीक्रेट्स थे, न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ पर हैं, उनको यूज कैसे करना है, पासवर्ड्स वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग हैज बीन लीक्ड। मैं आपको ये बात गारंटी देके कहता हूँ कि अगर ये जो न्यूज है ऐसे टाइम में आती जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो अब तक ये यूएस मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा होता, मगर सिंस जो बाइडेन प्रेसिडेंट है तो इतना जरा इस चीज को लेकर पैनिक मचा नहीं हुआ। और मुझे पता है कि सबसे पहले आप यहाँ पर ये पूछोगे, यूएसए के न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह ये यूरोप में भी डिप्लॉयड है। आई मीन ये तो सबको पता है कि यूएसए के जो बेसेस हैं ये बिल्कुल पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे। जो भी यहाँ पर देश आप देख रहे हो इन मैरून कलर, यहाँ पे आपको मिलेंगे यूएसए के स्टैंडर्ड मिलिट्री बेसिस, चाहे जापान हो, उसके अलावा फिलीपींस, फिर यहाँ पे साउथ कोरिया, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ब्राज़ील में है इनके बेसिस, गल्फ कंट्रीज में तो कम्प्लीटली यूएस की आपको डोमिनेशन दिखेगी, इवन टर्की में भी आपको यूएस के मिलिट्री बेसिस मिलेंगे। और फिर यूरोप में प्रॉपरली आप अगर जाओ तो ग्रीस में, इटली में, यहाँ पर जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस के मिलिट्री बेसिस आपको ऑलमोस्ट दुनिया भर में मिलेंगे। एग्जांपल के लिए ये रामस्टाइन एयरबेस है जर्मनी में, यूएस का बहुत ही फेमस है। बताया जाता है कि यहाँ पे F-35 बहुत ही बड़ी संख्या में डिप्लॉय करके रखते हैं, और रशिया का हमेशा ये टारगेट रहता है ये एयरफोर्स बेस। एक रशियन आर्मी जनरल ने एक बार ये भी कहा था कि रामस्टाइन एक दिन अगर गिर गया तो बहुत ही जल्दी जो बाकी यूएस के बेसिस है इन पर भी बॉम्बिंग कर सकता है रशिया। तो खैर ये तो हमने बात कर ली है मिलिट्री की, ठीक है, सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं यहाँ पर, फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड है। फिर अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की, तो यूएसए ने बताया जाता है कि सिर्फ यूरोप में 150 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स रखे हैं। ये ऑब्वियस ही बात है रशिया के लिए कि कल को कोई भी इशू होता है रशिया के साथ, कोई भी मेजर वॉरफेयर होती है, तो सीधा यूरोप से इनके प्लेन उड़ेंगे और रशिया की वेरियस सिटीज पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स यहाँ पर गिरा देंगे। और यूएस जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स है ये रखता है प्राइमरली 5 देशों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला देश है इटली, फिर है जर्मनी, फिर है टर्की। टर्की में आप सोचोगे ये लोग इतना इसराइल के अगेंस्ट बोलते हैं, यूएस के अगेंस्ट बोलते हैं, ये लोग इसराइल के वेपन्स परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स परचेज करते हैं, इसराइल के साथ ट्रेड करते हैं, फिर यूएस के सोल्जर्स टर्की में डिप्लॉयड है, यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी टर्की में डिप्लॉयड है। तो मैं इसलिए कहता हूँ दी मोस्ट हिपोक्रेट कंट्री इन द वर्ल्ड। और बिल्कुल जो इनका इन सिरलिक नाम का एक एयरबेस है टर्की में, वहाँ पर यूएसए के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं। कभी भी ये लोग चाहे कहीं भी बॉम्बिंग करनी है ईरान में कहीं भी, तो टर्की से ही उड़ेंगे ये वेपन्स और यहाँ पे बॉम्बिंग करना ये लोग स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा बेल्जियम और फिर नेदरलैंड्स, ये जो 5 देश हैं यहाँ पर यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब्स आपको मिलेंगे एटलीस्ट इन यूरोप। बाकी मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि साउथ कोरिया में भी हो, जापान में भी हो, वहाँ के डिटेल्स ये लोग रखते हैं बहुत सीक्रेट। मुझे आज तक कोई प्रॉपर यूएस डॉक्यूमेंट मिला नहीं है साउथ कोरिया या फिर जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का। तो खैर ऑब्वियस ही बात है कि जब यूएसए अपने न्यूक्लियर बॉम्ब यूरोप के कई देशों में रखेगा फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए, तो एक टीम भी इनके साथ रखनी होगी, ये टीम ध्यान रखेगी। क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं पे रखते हो आपको आसपास का एरिया कम्प्लीटली गार्डेड चाहिए, आप नहीं चाहते कि गलती से भी वहाँ पे कल को कोई अटैक कर दे, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि कल को कोई आतंकवादी वहाँ पे हमला हो जाए।
जो भी प्रोटोकॉल होते हैं वहाँ पे होते हैं टॉप सीक्रेट, मीडिया आसपास नहीं आएगा, और अंदर जो लोग काम करते हैं वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। ये बात दुनिया सोचती थी, मैं भी सोचता था, मगर अब जो यहाँ पे इन्होंने कर दिया है इससे साफ लग रहा है कि यूएस की मिलिट्री में भी इनडिसिप्लिन, इनकॉम्पिटेंसी ये फैल चुकी है। जो इनके सोल्जर्स हैं ये भी प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करते नहीं है। अब हाल ही में क्या हुआ, ये बात आपको समझनी होगी, जो ये बेसिस हैं जहाँ पर ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनकी नौकरी बहुत बोरिंग होती है, बहुत मुश्किल होती है। दिन में कई बार उनको प्रोटोकॉल निभाने होते हैं, कोई एक आदमी एक कमरे में गया वहाँ पे अलग पासवर्ड यूज़ करना है, फिर अलग कमरे में गया वहाँ पे अलग पासवर्ड यूज़ करना है, हर जगह सिक्योरिटी चेकअप होते हैं। बेसिकली एक आदमी को हमेशा 85 टाइप के पासवर्ड मेमोराइज करके रखने होते हैं, या फिर कई जो प्रोटोकॉल है कि इस तरीके से हम दरवाज़ा खोलेंगे, इस तरीके से लोग बाहर जाएंगे अंदर जाएंगे, ये सारी बातें रखनी होती हैं हमेशा याद। और सिंस ह्यूमन ब्रेन भूल सकता है ये सब बातें, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि हर 6-7 महीने में टेस्ट लेते हैं अपने लोगों का, कि जो भी प्रोटोकॉल है, सेफ्टी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, क्या आपको याद है, क्या आपको पासवर्ड्स याद है, क्या जो पासवर्ड्स रिसेंटली चेंज हुए हैं ये सब आपको याद है। इतने सारे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, यूएस के सोल्जर्स ने फ्लैश कार्ड एप्स होती है वो यूज करनी शुरू कर दी इसको मेमोराइज करने के लिए। ये बच्चों वाले काम है, फ्लैश कार्ड एप्स होती है, आप गूगल प्ले स्टोर में देखोगे कई आपको मिल जाएगी। ये एक तरीका होता है कुछ मेमोराइज करने का, उसमें क्या होगा, बहुत ही सिंपल ऐप्स होती हैं, कोई खास नहीं होता, ये ज़्यादातर स्कूल के बच्चे यूज़ करते हैं इस टाइप की ऐप। इसमें क्या होगा, आपके सामने कार्ड बना आ जाएगा, उस पर आप क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन के पीछे आंसर लिख दो, लगातार अपने 50-60 ऐसे कार्ड्स बना दो, फिर खेलते रहो। आपके सामने एक कार्ड आएगा, उस पर क्लिक करो, आपको बताना होगा कि सही आंसर क्या है, सही आंसर फिर आपको जो कार्ड है वो फ्लिप हो गया, आपको दिखेगा कि सही आंसर यहाँ पे है। तो इन्होंने ये ऐप्स जो यूएस में बच्चे इस्तेमाल करते हैं स्कूल में टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, इन्होंने हाई प्रोफाइल जो यहाँ पे पासवर्ड्स हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब की लोकेशन है, ये सब मेमोराइज करने के लिए ये गूगल प्ले स्टोर की फ्लैश कार्ड ऐप्स का यूज करना शुरू कर दिया। अब फिर क्या होना था, ये जो ऐप का डेटा ये पब्लिक में जाता है, आप बेसिकली एक डेवलपर की जो ऐप है वहाँ पर, आई मीन मुझे सही में यकीन नहीं होता कि ये हुआ है। ज़्यादातर जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट्स लिखी है, जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं इस पर, वो यकीन नहीं कर पाते कि ये एक्चुअली हो गया है, एक जोक सा लगता है काफ़ी बार। मगर यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये ऑनलाइन हर जगह आपको मिलेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पासवर्ड समेत, किस कमरे में यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, कहाँ पर हैं, कब से वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, अंदर जाने का प्रोटोकॉल क्या है, बाहर आने का प्रोटोकॉल क्या है, सब कुछ लीक हो चुका है इस तरीके से। ये तो मैंने थोड़ा भाई सेंसर कर रखा है क्योंकि ये पूरा ये दिखाना सही नहीं होगा आई थिंक, बट ऑनलाइन एवरीथिंग इज वेरी मच विजिबल राइट नाउ, और एक ह्यूज एम्बैरेसमेंट है यूएस मिलिट्री के लिए। ऑब्वियसली बात है कई लोगों की नौकरी यहाँ पे जाने वाली है, उनको कोर्ट मार्शल ये करेंगे, और फिर से इनको मोस्ट प्रॉब्ली नए बेसिस बनाने होंगे, नए यहाँ पे प्रोटोकॉल सेट करने होंगे, पासवर्ड चेंज करने होंगे, क्योंकि कम्प्लीटली यूरोप में जो इनका न्यूक्लियर वेपन्स सिस्टम था ये एक्सपोज हो चुका है, रशियंस को बिना कोई जासूस भेजे, बिना मेहनत किए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि इन द फ्यूचर भी ये लोग काफी कुछ आप कह सकते हैं एंटिसिपेट कर पाएंगे कि यूएस अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहाँ पे स्टोर करके रखता है। और ये आप देख पाएंगे ये फोटो भी लीक हुई है, ये सब लोग हैं इस मिलिट्री बेस के, ऐसे मिलिट्री बेसिस के जो यूरोप में आपको मिलेंगे, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पे है, और सब लोग इन सब लोगों ने आपस में जो ऐप्स वगैरह है ये यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन है गलती से लीक कर दिया, किसी का यहाँ पे इंटेंशन था नहीं, ऑब्वियसली बात है किसी ने सोचा नहीं था कि जो ये ऐप्स का डेटा है ये इजीली एक्सेसिबल है पब्लिक में, ये जो कार्ड्स हैं मिल जाते हैं आराम से, कोई मुश्किल नहीं होती यहाँ पर। सो इट्स वेरी सिली, बहुत ही सिली है, और ओवरऑल यूएस मिलिट्री पर्सनल ने लिटरली बिखेर दिए हैं इनके न्यूक्लियर सीक्रेट्स पूरी दुनिया के सामने। और इस एपिसोड के बाद देखो अब यूरोप में फिर से ये भी बातचीत मतलब चल रही है कि हम लोग यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स अपने देश में रखते भी क्यों हैं। इस बात पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि पहली बात तो इनके जो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं अपने न्यूक्लियर बेसिस में ये अप टू डेट है नहीं, फिर उसके अलावा हम इनके न्यूक्लियर वेपन्स रख कर खुद बहुत बड़ा एक डेंजर रख रहे हैं अपने ऊपर कि कल को अगर मान लो एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक आतंकवादी हमला होता है ऐसे किसी बेस पर और कोई आतंकवादी यहाँ पर एक बॉम्ब डेटोनेट कर देते हैं तो ये होगी एक ह्यूज ट्रेजेडी। और अभी के लिए जो बाइडन ने इस पूरे इवेंट पे कोई स्टेटमेंट दी नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली देंगे भी नहीं, ये यही कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे हुआ है इस पर इंटरनेशनल मीडिया ज़रा बातचीत ना करे, ये बात थोड़ी सी दब जाए क्योंकि यूएस की यहाँ पर काफ़ी बेइज्जती हुई है। जो इनकी एक इमेज थी बहुत ही एक प्रोफेशनल आर्मी की, प्रोफेशनल मिलिट्री की, इसको काफ़ी झटका लगा है, बट होपफुली हम यही कह सकते हैं कि उम्मीद है कि इन द फ्यूचर
ये लोग ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, ज़्यादा डिसिप्लिन लाएंगे अपनी मिलिट्री में, और इन द फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा लगातार होता है तो इनके न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथ में भी जा सकते हैं। और हाँ, इस टॉपिक के बारे में आप अगर और पढ़ना चाहते हैं तो बेलिंगकैट करके एक थिंक टैंक है यूएस बेस्ड, जिसने जो ये पूरी स्टोरी है सबसे पहले ब्रेकअप करी, इन्होंने सर्च किया ये यहाँ पर फ्लैश कार्ड्स को, और ये बताया कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ वेरी मच अवेलेबल ऑनलाइन, सब कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अवेलेबल है, न्यूक्लियर सीक्रेट्स। सो ये अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो बेलिंगकैट करके इनकी वेबसाइट है, वो आप सर्च करोगे तो होम पेज पे ही आपको इसकी जो रिपोर्ट है ये मिल जाएगी। क्या यार भाई, एक चीज़ तो है, देखो क्या बोलते हैं, कई बार एक छोटी सी गलती बहुत कुछ, सिली मिस्टेक भी आपके लिए बहुत कुछ हार्मफुल हो सकती है। लेकिन वो है कि इनके साथ बहुत यूएस जैसी कंट्री से थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मिलिट्री, मतलब उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन आज का सब कुछ करते हैं, ऑनलाइन सेव करके थे, उनको ये नहीं पता बैक एंड में सब कुछ सेव हो रहा था। हाँ। उस वजह से एक किसी भी देश के मिलिट्री के लिए, और भाई साहब ये न्यूक्लियर तो बहुत बड़ी चीज होती है, यूरोप के पूरे सब कुछ सीक्रेट लीक, अगर ऐसा हुआ तो क्या पता है यूएस की ही चाल हो ऐसे बेवकूफ बनाना। लेकिन मैं नहीं, क्या पता है, सोचा यूएस की चाल हो ऐसे बेवकूफ बनाना। हाँ, हो सकता ऐसा है। भी होता है भाई साहब, क्या पता यूएस ने यही जानबूझ के लीक कराई और बेवकूफ बनाने के लिए, इतना बड़ा कोई वो होगा नहीं। नहीं, मैं कोई चीज बता, दोनों तरीके से हो सकता है दोस्त, या पता नहीं, वैसे तो अगर आर्टिकल्स में है तो 99% तो आज के टाइम में जहाँ इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, सीरियसली लगता है कि मतलब कोई बंदा इतने इतने पासवर्ड मेंटली ऐसे याद रखता होगा, इतनी बड़ी चीज होगी करी तो होगी गड़बड़ किसी ने मेरे हिसाब से। लेकिन अगर नहीं करी और अमेरिका ने खेला तो अमेरिका तो बहुत बड़े लेवल पे खेल गया होगा बहुत सारे लोगों के साथ। हाँ। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं बता, सिली मिस्टेक, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं तो यूएस आर्टिकल्स बहुत छपे हैं उसके ऊपर, आर्टिकल बहुत है, और भाई ने बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करा एक एक चीज। और अगर सीरियसली ये सारे सीक्रेट्स रियल में रिवील हुए तो बहुत बड़े लेवल पे बहुत कुछ ब्लंडर है, और जो बाकी साइड कंट्रीज हैं जैसे रशिया हो गई, हाँ। तो भाई साहब समझ रहे हो, आपस में उनके लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया बिना कोई जासूस भेजे में, भाई साहब इतनी चीज इन्फॉर्मेशन ऐसे सामने से रख दिया। लेकिन ये चैनल सीरियसली अमेजिंग है, वर्ल्ड अफेयर चैनल, काफी चीज नहीं पता लगी, और ऐसी वीडियोस पे अगर आप चाहते हो और रिएक्शन तो बताना जरूर, और चैनल आप सजेस्ट भी कर सकते हो इसी टाइप से, वर्ल्ड अफेयर्स भाई के जैसे चैनल है, अमेजिंग यार सीरियसली। और उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके ऐसी वीडियोस और आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।